हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस क्लास 12 मैथमेटिक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ इन्वर्स की वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इन्वर्स कॉस पाई 4π/3। तो जनरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस थीटा क्या हो जाता है, एक्स के इक्वल हो जाता है। सीधे सीधे ये फॉर्मूला था जो हमने दो तरह से आपको ट्रांजिटिव फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स से इनवर्स वाला पोर्शन, इसे लेट कर लेते हैं, कैंसिल हो गया और बाकी आपका क्या बचता है, एक्स बचता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस 4π/3 इक्वल टू सिर्फ 4π/3। लेकिन मैंने आपको बताया ना था एक वैल्यू कई सारी वैल्यूज लेकर के रखता है अपने अंदर, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं जो कि सिर्फ एक होती है, जो मेन होती है, बाकी और भी वैल्यूज़ होती हैं। अब बात आती है कि क्या हम इसको किसी छोटी वैल्यू में चेंज कर सकते थे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, लेट करेंगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। ठीक है, तो ये जाएगा कॉस वाई इक्वल टू इन्वर्स वाला पोर्शन नजर आ जाता है, क्या बचेगा कॉस 4π/3। ठीक है, हमें तो वाई चाहिए ना, तो ये यहाँ से हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 4π/3 अगर हम चाहिए तो पाई माइनस पाई अपॉन 3 करेंगे तो 3-2 हो जाएगा, पाई अपॉन 5 अगर करते हैं, नहीं पाई अपॉन 5 से भी नहीं होगा। तो देखिए, अगर कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई बाय 4π/3 है तो हम इसे कह सकते हैं कॉस पाई माइनस 4π/3 कह सकते हैं। अब हमें पता है कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं तो जो हमारा कॉस होगा ए एस टी सी में, हमारे पास ये रूल है ना, ए एस टी सी ऑल साइन टेन कॉट टेन कॉस, तो यहाँ पर साइन और कॉस एक प्लस होने हैं, पाई माइनस करके जाएंगे तो कॉस कैसा हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस पाई इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 3π/4π यानी कि कॉस माइनस पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू माइनस माइनस, तो दोनों साइड में आ जाएंगे आपके, ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3। हमें ऐसी वैल्यू ना ढूंढ करके, हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो नॉन वैल्यू, तो हमने पाई बाई 3 यहाँ पर ये वैल्यू आपको बताई पाई बाई 3 के। ठीक है, चलिए अगला करते तो और थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन का क्या पैटर्न थर्ड पार्ट है। लेट साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू एक्स लेट कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे निकले साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन x इक्वल्स टू साइन पाई माइनस पाई 2π/3। अब पाई माइनस थीटा का मीन्स हो गया पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x इक्वल्स टू यह आ जाएगा आपका साइन क्या जाएगा 3π/2π यानी कि पाई अपॉन 3। फिर आप क्या लिखेंगे, सप्लाई एक्स इक्वल टू पॉजिटिव पाई अपॉन 3। ठीक है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा तो पॉजिटिव पाई अपॉन 3। देखो फोर्थ पार्ट देखिए, लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स लेट कर लो या वाई लेट कर लो, कोई एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3 अपॉन
4y, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू टेन 3y अपॉन 4। टेन एक्स इक्वल टू करेंगे तो टेन पाई माइनस 3y अपॉन 4। अब पाई माइनस कर रहे हो आप, पाई माइनस थीटा क्या आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव होता नहीं, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 4 माइनस 3y, हो जाएगा टेन, कितना ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3y यानी कि पाई अपॉन 4। अब टेन में तो अंदर इन्वर्ट हो सकता है साइन, ये टेन में तो हम अंदर ले सकते हैं ना, तो टेन में साइन को अंदर ले लेंगे। टेन माइनस पाई अपॉन 4, तो एक्स इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस साइन का ध्यान रखना है कि माइनस का नाम क्या कैसे ले लेंगे, ठीक है। चलो उनको रेगुलरली कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्स इक्वल टू हमने ऐड कर लिया, टेन इनवर्स टेन माइनस 3y अपॉन 4 हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू टेन 3y अपॉन 4 माइनस साइन, कितना था माइनस साइन टेन में आ सकता है, वह आ जाएगा माइनस टेन 3y अपॉन 4, ठीक है। तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस साइन, एक बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे टेन, तो क्या कह सकते हैं इसके पाई माइनस पाई अपॉन 4 कह सकते हैं, माइनस साइन तो ये अंदर से बाहर आया था, इसको हम पाई माइनस पाई अपॉन 4 कह सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो टेन एक्स इक्वल टू थ्री पाई अपॉन 4 कह सकते हैं, हमारे पास जो नंबर होता है वही लेते हैं 3y अपॉन 4, तो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि पाई अपॉन 4 यानी कि x इक्वल टू पाई अपॉन 4। कोई ज़रूरी नहीं कि माइनस वाला माइनस में ही आएगा, माइनस वाला प्लस में भी आ सकता है और प्लस वाला माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स है कॉस टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। देखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा, लेट करेंगे लेट एक्स इक्वल टू कॉस